हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है एएनएम जेएनएम वालों के लिए और बीएससी नर्सिंग बेसिक एंड पोस्ट बेसिक वालों के लिए। आज का इस वीडियो में आपके साथ सीट मैट्रिक्स को लेकर आपके साथ थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ वही चीज़ आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी जिस रैंक से बिलोंग करता है कितने कॉलेजेस में कितना सीट्स अवेलेबल है और कितने रैंक तक स्टूडेंट चॉइसेस में रख सकता है कॉलेजेस, वो सब आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग का भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ और चॉइस फिलिंग को लेकर मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता रहा हूँ एएनएम एंड जेएनएम वालों के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पे टोटल 10 एएनएम कॉलेजेस है और 3 जेएनएम कॉलेजेस है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे सब गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कैटेगरी वाइज आपको सीट्स भी दिख रहा होगा, है कि नहीं। जो भी, तो सबसे पहले मैं आपको एएनएम वालों के लिए मैं बता दूँ, जो भी एएनएम लेना चाहते हैं, एएनएम कोर्स करना चाहते हैं, जनरल वालों, सबसे पहले क्लियर करूंगा जनरल वालों के लिए। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे टोटल 10 कॉलेजेस है और एक एक कॉलेजेस में 12-12 सीट्स है जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिनका भी रैंक 120 या तो 130 तक भी अगर रैंक है, वो लोग आराम से एएनएम कॉलेजेस चॉइस रख सकता है अपने लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। जितना चॉइसेस आप रख दीजिए, अगर आपको उसमें से कोई भी एक कॉलेज अगर मिल जाता तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, ओके। उसके बाद जो भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिनका भी रैंक 80 या तो 90 तक भी रैंक है एसटी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करता है, वो लोग भी एएनएम कॉलेजेस चॉइस में रख सकता है। और जो लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनका रैंक 30 तक है, वो लोग भी एएनएम के लिए चॉइसेस रख सकता है। जो लोग BC1 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या तो BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका भी रैंक 20 तक है, कैटेगरी रैंक BC1 एंड BC2 20 तक है, वो लोग अपना एएनएम कोर्स कॉलेज ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और जो लोग EWS से बिलोंग करते हैं, जिनका भी रैंक 30 तक है, EWS से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, जिसका भी रैंक 30 तक है, 30-40 तक भी है, वो लोग अपना एएनएम कॉलेजेस चॉइस रख सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसका कम, मतलब जिसका अच्छा रैंक है, 120 तक जिनका भी रैंक है जनरल वाले स्टूडेंट, वो लोग एएनएम रख सकता है। सब चॉइसेस रख दीजिएगा, अगर उसमें से अगर कोई भी कॉलेज अगर मिल जाता है आपके लिए अच्छा रहेगा। एसटी वाले स्टूडेंट भी सेम है, अगर 80 या तो 90 जिसका भी रैंक है वो लोग रख सकता है। जो भी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसका भी रैंक 30 तक है, 30-40 तक है, वो लोग अपना आराम से रख सकता है। BC1 एंड BC2 का भी सेम है, 20 या तो 25 तक जिसका भी रैंक है वो लोग आराम से चॉइस फिलिंग में रख सकता है, ठीक है। अब अगर आप सोचो कि इसके बाद वाले रैंक वाले स्टूडेंट, जैसे 300 हुआ, 400 रैंक वाले हुए, तो उन लोगों को मिल सकता है या नहीं, तो उन लोगों को मैं बता दूँ बहुत ही कम चांसेस है मिलने का। अगर आपका मिल जाता तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी कॉलेज अगर नहीं मिलता गवर्नमेंट में, तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो फिर से सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा एएनएम जेएनएम वालों के लिए, तो उस जितना सीट्स अवेलेबल रहेगा, वैकेंट रहेगा, उसी के हिसाब से आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल अभी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अभी इतना ही स्टूडेंट लोग अप्लाई कर सकता है, है ना। और अगर आपको किसी को भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, 400-500 वाले स्टूडेंट, रैंक वाले स्टूडेंट, वो लोग अपना प्राइवेट में एडमिशन ले सकता है। और जिनका 1000-2000 रैंक है, वो लोगों का तो उम्मीद ही कम है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, ठीक है ना। तो वो लोग कोशिश कीजिएगा प्राइवेट कॉलेज में से एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जेएनएम वालों के लिए। जेएनएम में सिर्फ 3 ही कॉलेजेस है, जैसे कि रिम्स रांची है, धनबाद में है और जमशेदपुर में, तीनों गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहाँ पे सीट्स के बारे में बात की जाए, देखिए यहाँ पे जनरल वालों के लिए 268 और 2-3-4, मतलब 48 सीट्स जनरल वालों के लिए, तो 50 या तो 52 तक या तो 55 तक जिनका भी जनरल रैंक वाले स्टूडेंट है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जेएनएम कोर्स में अप्लाई कर सकता है, है ना। जो लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो लोग भी अपना कॉलेजेस का सीट्स वगैरह देख लीजिए, है ना। तो अगर जिनको नर्सिंग स्कूल रिम्स रांची चाहिए, जिनका भी एसटी रैंक 13 तक है या तो 14 तक है, वो लोग चॉइस रख सकता है। जो धनबाद लेना चाहता है, जिनका भी रैंक 11 या तो 12 तक रैंक है, वो लोग रख सकता है। जिनका भी एमजीएम लेना है और जिनका एसटी रैंक 8 तक है तो या तो 9-10 तक है, वो लोग भी ये चॉइस रख सकता है, ठीक है। एससी का भी वही सेम प्रोसेस है, अगर रिम्स लेना है तो एससी कैटेगरी 5-6 तक होना ज़रूरी है, अगर आपको धनबाद लेना है तो 4 तक होना ज़रूरी है, और एमजीएम लेना है तो 3 तक होना ज़रूरी है। BC1 वालों के लिए भी सेम है, अगर आपको रिम्स रांची लेना है तो 4 तक होना ज़रूरी है,
BC1 रैंक है ना, SNM जो धनबाद में है, अगर आपको वो लेना है BC1 कैटेगरी से तो कम से कम 3-4 तक रैंक होना ज़रूरी है, और अगर आपको जमशेदपुर लेना है तो 2 तक रैंक होना ज़रूरी है। जो BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सेम प्रोसेस है ना, EWS वाले भी स्टूडेंट जिनको रिम्स रांची लेना हो तो 5 तक रैंक वाले स्टूडेंट ले सकता है, जो धनबाद लेना चाहते 4 रैंक वाले स्टूडेंट तक ले सकता है, और MGM जमशेदपुर से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग जिनका भी रैंक 3 तक है वो लोग इसमें रख सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे BSc नर्सिंग बेसिक एंड पोस्ट बेसिक का मैं बता दूँ। सबसे पहले आपका BSc नर्सिंग बेसिक का मैं बता दूँ, जिसमें से आपको पता ही होगा सिर्फ एक ही कॉलेज नर्सिंग कॉलेज रिम्स रांची, ठीक है, जिसमें से टोटल सीट सिर्फ 50 तो ही है। SC वालों के लिए 5, ST वालों के लिए 13, BC1 वालों के लिए 4, BC2 वालों के लिए 3, EWS वालों के लिए 5 और जनरल वालों के लिए 20। ठीक है, जिनका भी रैंक जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनका भी रैंक 5, 6, 8 तक भी है वो लोग ये चॉइस रख सकता है। जो लोग ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो जिनका भी रैंक ST रैंक 14 या 15 तक है वो लोग ये को चॉइस रख सकता है, उसके बाद वाले रैंक वाले स्टूडेंट नहीं रख पाएंगे, उनको मिलने का कम चांसेस है। ठीक है, जो BC1 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर उनका BC1 रैंक 4 या तो 5 तक भी है तो उनको आराम से मिल जाएगा। जो BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनका भी रैंक 3 या तो 4 तक है वो आराम से ले सकता है। EWS वाले स्टूडेंट जिनका भी रैंक 5 या तो 6 तक है तो वो लोग आराम से ले सकते हैं, और जनरल वाले स्टूडेंट जो भी 20, 21, 22 तक जिनका भी रैंक है वो लोग आराम से ले सकता है। ठीक है, और जो पोस्ट बेसिक वाले स्टूडेंट है इसमें टोटल सिर्फ 30 सीट रहता है ना पोस्ट बेसिक वालों के लिए, जिसमें SC वालों के लिए जिनका भी रैंक 3 तक है वो लोग ले सकता है, ST वाले स्टूडेंट जिनका रैंक 8 तक है वो लोग ले सकता है, BC1 वाले स्टूडेंट जिनका रैंक 2 तक है वो लोग ले सकता है, BC2 वाले स्टूडेंट जिनका रैंक 2 तक है वो भी ले सकता है, और EWS वाले स्टूडेंट जिनका रैंक 3 तक है वो लोग ले सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ नोट में कि कोर्स वाइज कैटेगरी वाइज कोटा वाइज सीट्स डिटेल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट विल बी डिस्प्ले आफ्टर रिसिप्ट फ्रॉम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट वालों के लिए अलग से एक सीट मैट्रिक्स जारी किया जा सकता है, आपके लिए वेट करना होगा। ठीक है, तब तक आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए NM GNM वालों के लिए वो लोग अपना सीट मैट्रिक्स देख लीजिएगा। सीट मैट्रिक्स जो आपको डाउनलोड सेक्शन में ही आपको सबसे पहले मिल ही जाएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए मैं आपको बता दूँ एक बार, चॉइस फिलिंग कहाँ से आपको करना है, आपको होम सेक्शन में जाना होगा। होम सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जब आप नीचे तरफ आओगे तो क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2022, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब आप थोड़ा नीचे तरफ आओगे है ना, ओके थोड़ा लोड हो रहा है, जब नीचे तरफ आओगे यहाँ पे दिख रहा होगा BSc नर्सिंग बेसिक एंड पोस्ट बेसिक वालों के लिए, यहाँ पे सिर्फ ये क्लिक करेंगे ऊपर वाला 6 नंबर वाला, और जो NM GNM में काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो वो लोग ये क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी BSc नर्सिंग वालों के लिए मैं दिखा देता हूँ, सेम प्रोसेस जो है NM GNM वालों को भी वही करना होगा। ठीक है, NM GNM वालों का भी वही सेम चॉइस फिलिंग प्रोसेस रहेगा। अभी मैं BSc नर्सिंग का मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ ब्लिंक होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको स्टूडेंट कैन गेट लॉगिंग ID एंड पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त मिला था वो आपको डालना होगा, और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डालने के बाद आपको कैप्चा डालना होगा। डालने के बाद क्या करना, आपको फाइनल सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो है, आपके फ़ोन नंबर का जो इनबॉक्स है और या तो ईमेल ID पे एक पासवर्ड और एप्लीकेशन ID जो कि यूज़र ID सेंड किया जाएगा, और वही यूज़र ID और पासवर्ड आपको इस पे डालना होगा। कैसे, जब आप साइन इन में क्लिक करोगे फिर वापस जब इस पे आओगे, आने के बाद जब आप लॉगिन ID और पासवर्ड डालोगे जो अभी आपके मेल पे आया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद जब आप कोड डालोगे, डालने के बाद फिर आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जहां आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो जब आपका लॉगिंग हो जाएगा, लॉगिंग हो जाने के बाद यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा एक 3 लाइन वाला, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको पहले पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद फिर आपसे बोला जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है इन PDF फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, अपलोड व्यू और डिलीट। मतलब मान लीजिए अगर आपको
आपने अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद फिर आपको पता चला कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हुआ, तो आप उसको फिर से डिलीट कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किया उसका अगर आप चेक करना चाहते हो, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अपलोड करने से पहले मैं आपको बता दूँ क्या क्या आप अपलोड कर सकते हो। जैसे आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी है, सबको ही देना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मतलब जो कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देंगे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है, PDF बना के, ओके। और जो जिन्होंने EWS के लिए अप्लाई किया था उनको तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो उनको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ साथ EWS का सर्टिफिकेट मतलब एक PDF बनाकर अपलोड करना होगा, ठीक है। या तो जिन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था PH कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, तो उनको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, मतलब अपलोड करना होगा PDF बना के। मतलब आप समझ गए, अगर आप सिर्फ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ओके, PDF बना के। अगर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग नहीं करते हो बट आपको EWS से सीट मिला है, तो आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ साथ EWS के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट उसका दोनों का PDF बनाकर आपको अपलोड करना है। या तो अगर आपको EWS से नहीं मिल के PH जो कि डिसेबिलिटी क्राइटेरिया से मिला है, तो आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और याद रहे, जो भी आप PDF अपलोड करेगा 500 KB के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। सेम प्रोसेस ANM एंड JNM वालों के लिए भी करना होगा। BSc नर्सिंग बेसिक एंड पोस्ट बेसिक वालों के लिए भी सेम है, एंड ANM JNM नर्सिंग वालों के लिए भी सेम है, ठीक है। तो ये करने के बाद जब आप सेव में क्लिक करोगे, है ना, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में जब आप क्लिक करोगे, तो ये क्लिक करने के बाद फिर आपका ब्रांच इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट स्टेटस अपलोड मतलब ये करने के लिए चॉइस करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो जब आप सिलेक्ट ब्रांच में क्लिक करोगे फॉर BSc नर्सिंग बेसिक एंड पोस्ट बेसिक, यहाँ पे जब आप ब्रांच में क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे बेसिक का ऑप्शन दिखाएगा या तो पोस्ट बेसिक का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। और जो लोग ANM JNM वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आपसे ANM या तो JNM का ऑप्शन दिखाया जाएगा, ओके। और अगर आपसे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो आप किस आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में लेना है फॉर BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ रांची ही मिलेगा, रिम्स रांची, है कि नहीं। और जो ANM JNM वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए तो रांची, देवघर, ईस्ट सिंहभूम सब कुछ का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही मिलेगा, चाहे वो BSc नर्सिंग क्यों ना हो, चाहे वो ANM JNM वाले क्यों ना हो, उनको तो सिर्फ अभी JNM मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही दिखाएगा। तो जब आप सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे एक पूरा कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, जिसमें से आपको पूरा एक प्रेफरेंस और जो भी कॉलेज आपको आप रखना चाहते हो रैंक के अनुसार, है ना, आप अपना चॉइसेस रख दीजिएगा। रखने के बाद फिर यहाँ पे जैसे मैंने एक जन का डाला था, तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट है उन्होंने ये एक ही कॉलेज डाला था, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप जो ANM JNM वाले स्टूडेंट है उनका तो पूरा एक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है, चॉइसेस कोड का पूरा एक लिस्ट बन जाएगा। और अगर आपको कुछ भी चॉइसेस में से अगर आपको डिलीट करना, तो यहाँ पे सेट का ऑप्शन में दिया होगा डिलीट, तो आप उसको चॉइस से हटा सकते हो। ये चीज़ करने के बाद, है ना, ये चीज़ करने का जब आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करने के लिए बोला जाएगा, मतलब किस कॉलेज को आप पहले प्रेफरेंस में रखना चाहते हो, किसको सेकंड प्रेफरेंस में रखना चाहते हो, किसको थर्ड प्रेफरेंस में रखना चाहते हो। ये ANM JNM वालों के लिए है, जिनको क्योंकि पता ही होगा ANM JNM वालों को बहुत सारे कॉलेज है, बट BSc नर्सिंग बेसिक एंड पोस्ट बेसिक वालों के लिए कोई भी कॉलेजेस नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलेज है। तो उन लोगों को प्रेफरेंस सेट करने का कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आप सिर्फ एक ही टिक कीजिएगा तो आपका वो प्रेफरेंस सेट हो जाएगा। बट जो लोग ANM JNM वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को प्रेफरेंस सेट करना होगा, मतलब किस कॉलेज को पहले आप रखना चाहते हो उसके अनुसार आप अपना प्रेफरेंस सेट कर लीजिएगा। करने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपका एक पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा, जिसमें से आपका नाम, कैटेगरी, रैंक, CML रैंक ये सब मेंशन रहेगा, और आपने क्या चॉइस किया वो भी मेंशन रहेगा, और आपने जो पेमेंट किया था पेमेंट का डिटेल दिखा दिया जाएगा। और जब आप थोड़ा नीचे तरफ स्क्रॉल करोगे तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिखेगा, ब्लू कलर का ऐसे बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक करना होगा। करने के बाद फिर आप लॉक ऑप्शन फॉर्म में क्लिक ऑप्शन दिखाया जाएगा, मतलब ये कि आपने जो भी चॉइस किया है तो वो चॉइस जो आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉक जब आप क्लिक करो तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाएगा, विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई, चेंज, ऑल्टर योर कॉलेज प्रेफरेंस वंस यू लॉक इट, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू लॉक योर ऑप्शन फॉर्म।
मतलब ये कि अगर आपने चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आप वो चॉइसेस को लॉक करना चाहते हो तो आप उसको लॉक कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो अभी तो आप अभी छोड़ सकते हो। जिस दिन लास्ट रहेगा उस दिन आप एक बार लॉगिंग करके आप एक बार चॉइसेस को लॉक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाय चांस अगर अभी आपको कुछ भी एडिट वगैरह करना हो, चॉइसेस में कुछ हेरा फेरी करना हो, तो अभी आपको लॉक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप फ़िलहाल ऐसे चॉइसेस रख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो जब ये अगर आप लॉक करना चाहते हो तो लॉक करने के बाद एक PDF ओपन हो जाएगा, तो वो आप PDF को डाउनलोड करके निकाल सकते हो, ओके। और अगर आप लॉक नहीं करते हो तो वो PDF डाउनलोड नहीं होगा, बट ये जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन का जो ओपन हो जाएगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।